अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सो आज हम चर्चा करेंगे मध्य द्वीप के विषय में। हमने अंतर द्वीप की चर्चा की, सीमंत द्वीप की चर्चा की, गोद्रुम द्वीप की चर्चा की, तो आज हम चर्चा करेंगे मध्य द्वीप। मध्य द्वीप जो है नवविदा भक्ति में के एक भक्ति जो है, नवविदा भक्ति में से एक भक्ति स्मरण। स्मरण मतलब भगवान का ध्यान करना, भगवान का स्मरण करना, या उस थली पर जाकर उन लीलाओं का स्मरण करना, भगवान ने इस थली पर ये लीला की वो लीला की, ऐसे इसे स्मरण कहा जाता है। श्रवण कीर्तन स्मरण, तो ये मध्य द्वीप को माजिदा गांव भी कहा जाता है, माजिदा गांव। तो नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी और श्रीवास ठाकुर को लेकर परिक्रमा कर रहे थे तो इस माजिदा गांव में आ जाते हैं, और इस माजिदा गांव जिसे मध्य द्वीप कहा जाता है, तो वहां पे क्या कारण से इसे मध्य द्वीप कहा गया, इस तरह से नित्यानंद प्रभु बताने लगते हैं। ये नवद्वीप धाम महात्म्य में कहा गया है। तो सप्त ऋषि जो है ब्रह्मा के पुत्र, आप नोट डाउन कर सकते हैं उनके नाम, हमें पता होना चाहिए सप्त ऋषि कौन है। ब्रह्मा के मानस पुत्र जो है सप्त ऋषि, अत्रि, भरद्वाज, गौतम, जमदाग्नि, कश्यप मुनि, वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये सप्त ऋषि है ब्रह्मा के पुत्र। तो ये सात जन जो है ब्रह्मा के पास चले जाते हैं किसी कारण। तो ब्रह्मा जी वहां पे ध्यान करते समय बीच बीच में गौर हरी इस तरह से चिल्लाने लगते हैं। कभी कभी अपने बैठे हुए आसन से उठकर नृत्य भी करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ज्यादातर हम देखते हैं कि माला लेकर अपने कमल के आसन पर बैठकर जप करते हुए। तो यहाँ पे जब सप्तऋषि पहुंचते हैं वहां पे किसी कारणवश, तो ब्रह्मा जी जप करते करते ही बीच बीच में गौर हरी ओ गौरांग, और कभी कभी उठकर नृत्य भी करने लगते हैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर। तो सप्तऋषि देखते हैं ये कौन है गौर हरी। अभी हम कई बार ये सुन चुके हैं, सभी जगह ये पूछा जा रहा है। कभी पार्वती पूछती है शिव जी से ये गौरांग कौन है, हा? तो कभी कोई और पूछता है ये गौरांग कौन है। तो जो जो जानते हैं, जिन जिन उन्होंने ध्यान कर उस भगवान का स्मरण किया है, उनको प्राप्त किया, उनके दर्शन किए, वो अपने अपने अनुयायियों को बता रहे हैं। तो बार बार हमें ये सुनने मिलेगा कौन है गौरांग। तो ब्रह्मा जी गौरांग का वर्णन करने लगते हैं
इतने सुंदर स्वरूप, घुंघरेलू बाल, क्यों उनका नाम गौरांग है? क्योंकि गौर कांति प्राप्त की है भगवान, अद्भुत कांति है ये, हाँ, ये शरीर का रंग जो है ये अद्भुत है, हाँ, ये प्रेम का रंग है गौरांग जो है, ये प्रेम का रंग है। और कई ऐसी बातें गौर हरि के विषय में ब्रह्मा जी समझाने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने जैसे प्रेम प्राप्त किया, या मतलब सप्त ऋषि कहते हैं जैसे आपने भगवान का प्रेम प्राप्त किया, क्या हमें ये प्राप्त हो सकता है और कहाँ मिल सकता है ये, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाकर साधना करनी चाहिए जिसके कारण ये प्राप्त हो सकता है? तो ब्रह्मा जी उन्हें शिक्षा देते हैं कि तुम्हारी साधना, प्रेम प्राप्त करने के लिए साधना कहाँ होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। तो वो कहते हैं नवद्वीप में जाओ, नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु गौर हरि वहां पे प्रकट होते हैं नवद्वीप में हर समय, तो आप वहां पे जाकर साधना करो, वहां पे जाकर स्मरण करो भगवान का। मैंने जो जो बताया गौरांग महाप्रभु का, मैंने जो जो वर्णन किया है उसका जाकर आप स्मरण करो वहां पे। तो वो आते हैं या माजिदा गांव में आते हैं सप्त ऋषि, ये सत्ययुग की बात है, सप्त ऋषि सातों के साथ भाइया इस माजिदा गांव में आते हैं और भगवान के गुणगान करने लगते हैं और एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं कि ये कितना सुंदर, हमारे पिताजी ने कहा ये कितने सुंदर भगवान है, कितने उदार भगवान है। ये आते हैं तो इसके दर्शन मात्र से ही प्रेम प्राप्त होता है, इनके दर्शन मात्र से ही प्रेम प्राप्त होता है और उनको प्रार्थना करने लगते हैं, हे प्रभु आप हमें कब दर्शन दोगे, आपके दर्शन मात्र से सारे पति जीवात्मा भी भाग्यशाली बनकर धाम प्राप्त करते हैं। आप गौरांग है, गौर अंग में प्रकट होते हो और वो भी नादिया मतलब नवद्वीप में प्रकट होते हो और ऐसी ऐसी लीला करते हो कि किसी देवी देवताओं को भी पता नहीं चलता, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ लीलाएं देवी देवताओं को भी पता नहीं होता। ये छन्ना अवतार है, छन्ना अवतार मतलब मोस्ट सीक्रेट अवतार। तो कुछ लीलाएं जो है ये सभी के लिए नहीं होता है, भले वो कर रहे हैं लीलाएं कर रहे हैं फिर भी सभी के लिए नहीं दर्शन प्राप्त होता इन लीलाओं का। तो यहां वो कह रहे हैं कि जो जो भक्तगण आपके प्राकट्य के समय, आप जब प्रकट होते हो इस पृथ्वी पर अवतरित होते हो और लीलाएं करते हो, तो भाग्यशाली जीवात्माओं को दर्शन प्राप्त होता है। लेकिन आप अप्रकट हो जाते हो, आप अपने धाम स्वधाम चले जाते हो, अप्रकट हो जाते हो और फिर भी यहाँ पे अप्रकट रूप में लीलाएं होती रहती है, अप्रकट होकर लीला जो करते हो और इन अप्रकट लीलाओं का दर्शन जिसको भी प्राप्त होता है वो बड़ा भाग्यशाली है, हे प्रभु बड़ा भाग्यशाली है। आप कलयुग के लोगों का उद्धार करते हो क्योंकि कलयुग सबसे पतित युग है, सबसे पतित युग है, कलयुग के लोगों का उद्धार करते हो, अनासायस आप प्रेम देने लगते हो, उसकी योग्यता है नहीं है तो भी देने लगते हो। और सबसे वैशिष्ट ये है आपके अवतार का, इस तरह से सप्तऋषि एक दूसरे के साथ चर्चा करते करते आंखें बंद करके स्मरण कर रहे हैं उस भगवान का, हे प्रभु आपके इस रूप में जितने भी अवतार हो चुके हैं अभी तक,
जितने भी असंख्य अवतार हो चुके हैं इस रूप में ये सब एकत्रित आ जाते हैं। सारे अवतार इस शरीर में अवतरित हो जाते हैं और जिन जिन अवतारों में आपके भक्तगण जो है आपके उन लीलाओं का दर्शन किया, समझ गया ना, उन लीलाओं का दर्शन किया, जैसे राम अवतार में भगवान राम के कई भक्त हनुमान, जांबवंत, अंगद, ऐसे कई, जटायु कहो, और नरसिंह भगवान जब अवतरित हुए तब उनके भक्त प्रहलाद महाराज और भी अन्य उनके सखागण, ऐसे प्रत्येक अवतार में जो जो अवतार लिए हैं वो अवतार तो इस रूप में है ही, आपके सारे इस रूप में प्रकट हुए हैं, एकत्रित आए हुए हैं, और उस अवतार में जो जो भक्त है वो भी सारे भक्त आपके पार्षद बनकर आएंगे, सभी जितने भी अवतार हुए उन अवतारों में जो जो लीला हुए है, जो जो भक्तगण उस लीला में भाग लिए, उसका दर्शन लिए, वो सारे भक्तगण भी इस अवतार में, मतलब चैतन्य महाप्रभु के, मतलब आपके गौरांग महाप्रभु के लीलाओं में भाग लेंगे, दर्शन लेंगे। सो आप देखिए, इस पर से पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु कितना यूनिटी के प्रतीक है, समझ गए ना। अन्य अन्य अवतारों में जो जो लीला हुई है उन उन भक्तों के साथ, वो इंडिविजुअल है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में सारे अवतार एकत्रित आए हैं, मतलब सभी भगवान के असंख्य जो स्वरूप है वो सब एकत्रित आए हैं, यहाँ पे यूनाइट हुए हैं। इतना ही नहीं, उनके भक्तगण भी जो है वो भी अवतरित हुए हैं और सब यूनाइट होकर संकीर्तन करेंगे। इस तरह से कहते कहते सप्तऋषि रो रहे हैं भाव विभोर होकर, और प्रभु हम सत्य धर्म का पालन नहीं किए हैं, ये जानते हैं कि इन्हें भी चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में भाग लेना है सप्तऋषियों को, लेकिन वो अपने आप को कोस रहे हैं कि प्रभु हम सत्य धर्म का पालन नहीं किए। सत्य धर्म मतलब भगवान का जो धर्म है। कुछ कुछ लोग देवी देवताओं को पूछते हैं, इस देवता को, उस देवता को, उस देवता को, तो ये भजन, ये भक्ति सत्य भक्ति नहीं है। सत्य भगवान है, कृष्ण है सत्य, तो सत्य धर्म का हमने पालन नहीं किया। और दूसरा सत्य धर्म का अर्थ ये भी है, जिस जिस युग में भगवान ने जिस जिस धर्म की स्थापना की है उस धर्म में उसका पालन होना चाहिए। कृतयत ध्यायतो विष्णुम, मतलब सतयुग में भगवान का ध्यान होना चाहिए। त्रेता यज्ञतो मखैव, त्रेता युग में यज्ञ की विधि जो भगवान ने स्थापित करके गई उस विधि का पालन होना चाहिए। द्वापारे परिचर्यायम, अर्च विग्रह तीर्थ क्षेत्रों का, अर्च विग्रह की अर्चना पूजा होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। द्वापर कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में कीर्तन यही धर्म है। तो सत्य धर्म का अर्थ है, भगवान तो है ही, भगवान की भक्ति होनी चाहिए क्योंकि भगवान सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसको हम कहते हैं। और साथ ही साथ इसका दूसरा अर्थ ये भी है सत्य धर्म का, जिस जिस युग में जिस धर्म की स्थापना की है भगवान स्वयं या भगवान के भक्त आकर, तो उस धर्म का पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं
कि सतयुग का धर्म का पालन द्वापर युग में हो, या द्वापर युग का धर्म का पालन सतयुग में हो, या त्रेता युग का पालन कलयुग में हो, या कलयुग के धर्म का पालन सतयुग में हो। तो सत्य धर्म का पालन का अर्थ है ये है कि जिस जिस युग में जिस जिस धर्म की स्थापना की है उस यज्ञ का पालन होना चाहिए, उस धर्म का। सो कलयुग में कीर्तना, तो वो कह रहे हैं हम कभी भी ऐसा पालन नहीं किए प्रभु, क्या इसलिए हम इन लीलाओं का दर्शन जहां पे आप सभी को एकत्रित कर रहे हो, क्या हम दर्शन नहीं कर पाएंगे इनका, क्योंकि हमने धर्म का पालन नहीं किया है। क्योंकि हम कैसे कैसे पालन किया है कि जिस धर्म की आवश्यकता है जिस युग में उसको छोड़कर किसी और के युग और युग के धर्म का पालन किया, जैसे कभी कभी हम करते हैं, है ना। लोग देखते हैं योगा क्लासेस में जाते हैं, योगा अभ्यास करते हैं और ध्यान करने लगते हैं। अरे बाबा, ध्यान इस युग का नहीं है। तो ऐसे लोगों को चैतन्य महाप्रभु का प्रेम कैसे प्राप्त होगा? तो जब वो अपने गलतियों को कह रहे हैं कि हमने सत्य धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए हे प्रभु हमारे इस गलतियों को इस अपराधों को क्षमा करो, ऐसे वो विनंती कर रहे भगवान से। और इस हेतु, इस अपराध के हेतु उन्होंने अपना खाना पीना सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। और उनके पिता जो ब्रह्मा जी ने जो कहा वैसे विधि का वो पालन करने लगे, और इस गौर हरि गौरांग महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु का सारे लीलाओं का जो जो ब्रह्मा जी ने बताया उनका स्मरण करने लगे। ये मध्य द्वीप जो है ये स्मरण का ये है, इस द्वीप में स्मरण किया जाता है, जैसे सीमंत द्वीप में श्रवण, गोद्रुम द्वीप में कीर्तन। तो इस मध्य द्वीप में स्मरण किया जाता है, स्मरण प्राधान्य है इस द्वीप में, और जो स्मरण करता है उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है इस द्वीप में। तो इस तरह से बड़े पश्चाताप होकर भगवान मतलब चैतन्य महाप्रभु के रूप का वर्णन, उनके लीलाओं का वर्णन, उनके गुणों का वर्णन, ऐसे वो मतलब एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं उसका। तो धीरे 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 जैसे जैसे वो डीप चर्चा में पहुंच जाते हैं, सभी के आंखों में से अश्रु निकलने लगता है, इतना प्रेम उन्माद हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसे भक्ति को देखकर, ऐसी साधना को देखकर तुरंत वो मध्याह्न में प्रकट हो जाते हैं। दोपहर का समय जो है मध्याह्न जिसको हम कहते हैं, मध्याह्न समय, इस समय वो प्रकट हो जाते हैं। और वो अकेले प्रकट नहीं होते, अपने भक्तों के संग पंच तत्वों के साथ प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्त वृंद, भक्तों के साथ प्रकट होकर कीर्तन नृत्य का दर्शन देने लगते हैं उनको। तो जब ये दर्शन प्राप्त करते हैं सप्त ऋषि, कुछ ऋषियों के आंखों में से आंसू आने लगती है, उनके होंठ कांपने लगते हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, समझ गए ना, इतना सुंदर दर्शन लेकर। कुछ तो ऋषि जो है वो चरणों में बेहोश होकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। ऐसी अवस्था चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के उपरांत इन्हें प्राप्त होता है। चैतन्य महाप्रभु उनके भक्ति को देखकर बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, आप चिंता मत करो, आपने ये कहा कि हमने कभी भी सत्य धर्म का पालन नहीं किया, जिस युग में जो धर्म का पालन होना चाहिए वो नहीं किया, इस अपराध आपको एहसास हो रहा है, मतलब आप समझ गए,
आपके गलतियों को समझ गए, इतना ही काफी है। सुनिश्चित होकर रहिए आप, मैं आपको जब अवतरित होऊंगा उस समय आपको भी उस लीलाओं में सम्मिलित करूंगा, आप भी मेरे कीर्तन का, नृत्य का दर्शन करोगे। इस तरह से सप्तऋषियों को भगवान की कृपा प्राप्त हुई। तो ये बहुत हमें मतलब इम्पोर्टेंट है कि जिस समय में जो धर्म की स्थापना की गई है उसे पूरा करना चाहिए, उसी धर्म के साथ लगे रहना चाहिए। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम उदार भाव से देने के लिए आए हैं वो पात्रता हमें नहीं होगी। समझ गया ना? तो मुझे जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे एक प्रभुपाद की लीला एक याद स्मरण हो रहा था कि प्रभुपाद को प्यास लगा था और भक्तों को कहा पानी लेके आओ, और बड़े प्रेम वश होकर भक्त पानी के जगह कुछ ड्रिंक देते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक। प्रभुपाद को प्यास लगी है, अरे पानी तो ठीक है लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक देंगे तो प्यास बुझेगी। तो प्रभुपाद कहते हैं आई टोल्ड यू टू ब्रिंग वाटर नॉट सॉफ्ट ड्रिंक। समझ गया ना? तो जो कहा गया है वही उसे धर्म कहा गया है, क्योंकि प्रभुपाद को प्यास लगी थी, पानी से प्यास बुझ सकता है, बुझता है। तो आप कोल्ड ड्रिंक लाकर दोगे तो कैसे प्यास बुझेगा? ये एक जस्ट स्मरण हो रहा था ऐसा, आई डोंट नो दिस में भी। तो जो कहा गया है वो करना, वो धर्म का पालन है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और तुरंत ही प्रेम प्रदान करते हैं। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है, ये सीखने जैसा सिद्धांत है। और मध्याह्न में भगवान पंच तत्वों के साथ प्रकट हुए, इसलिए उस द्वीप का नाम मध्य द्वीप कहा गया है। भगवान मध्याह्न में प्रकट हुए इसलिए उस द्वीप का नाम माजिदा से मध्य द्वीप हुआ, मध्याह्न में। और मध्याह्न में आप जानते हो सूरज एकदम प्रकाशमय होता है। समझ गए? सबसे ज्यादा प्रकाश अगर कुछ कब होता है तो मध्याह्न के समय होता है। तो इसे ब्राइट डे कहा जाता है, उस समय को ब्राइट डे, मतलब ब्राइट डे मतलब ये इस तरह से हमें देखना चाहिए कि ब्राइट नॉलेज, हायर नॉलेज, मतलब उच्च कोटि का ज्ञान जो है, तो उन्हें वो प्राप्त हुआ और वो है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त किया जाता है ये ज्ञान। तो मध्याह्न के समय प्रकट हुए इसलिए इसे मध्य द्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर स्थली भी है, नैमिष अरण्य। समझ गए ना? आप जानते हैं नैमिष अरण्य में सुत गोस्वामी कई हजारों शिष्यों के साथ, सौनक आदि ऋषियों के साथ भागवत कथा कर रहे थे। जैसे सुखदेव गोस्वामी गंगा के तट पर परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुना रहे थे, वैसे सुत गोस्वामी नैमिष अरण्य में सौनक आदि ऋषि के समक्ष भागवत कथा सुना रहे थे। तो मध्य द्वीप मतलब नवद्वीप में, इस मध्य द्वीप में नैमिष अरण्य भी आता है। मैंने कई बार कहा है कि ये नवद्वीप जो है, नवद्वीप मंडल जो है, ये एकदम कॉन्सेंट्रेटेड कंडेंस फॉर्म में है। सारे असंख्य धाम सब यहाँ पे एकत्रित है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के मतलब भगवान के सारे अन्य अवतार भी चैतन्य महाप्रभु में एकत्रित है। और अवतारों में जितने भी लीलाएं हुए और भक्त संग जो भाग लिए वो भी इस नवद्वीप लीला में भाग लेते हैं। सो ये यूनिटी
जो है चैतन्य महाप्रभु। और यूनिटी कैसे प्राप्त होती है? संकीर्तन से। संकीर्तन का अर्थ ही है सब मिलकर भगवान के नामों का उच्चारण करना, और उसका बल कुछ अलग ही है, कुछ श्रेष्ठ है उसका बल। संकीर्तन करेंगे तो महाबल प्राप्त होता है। तो भगवान हमारे सारे आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरी पूर्ति कर देते हैं जब हम संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन के समय सारे अन्य भगवान के सभी स्वरूप वहां पे एकत्रित होते हैं, आ जाते हैं। सारे भक्त गण भी वहां पे एकत्रित आ जाते हैं और संकीर्तन में नाचने गाने लगते हैं। इसलिए संकीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। संकीर्तन इटसेल्फ यूनिटी को दर्शाता है। तो इस नैमिषारण्य में सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी कथा कर रहे हैं इस नैमिषारण्य में, और इस कथा का श्रवण करने के लिए शिवजी भी लालायित हुए थे। बड़ा सुंदर। और वो कथा किनका चल रहा था? चैतन्य महाप्रभु का भागवत है ना, चैतन्य भागवत कथा चल रहा था, चैतन्य चरितामृत की कथा, चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं की कथा चल रही थी। यहां सुखदेव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का भागवत कथा करते हैं, चैतन्य भागवत कथा करते हैं, और इसको श्रवण करने के लिए शिवजी लालायित हो जाते हैं और कैलाश से निकल पड़े शिवजी अपने नंदी को लेकर। आप जानते हैं नंदी बहुत धीरे धीरे चलता है, और जब तक वहां पहुंचेंगे कथा अगर समाप्त हो जाएगी तो कथा सुन नहीं पाएंगे। इसलिए शिवजी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। हे ब्रह्मा, आपका हंस मुझे दे दो ताकि उसके ऊपर बैठकर मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। समझिए ना, बैल क्या है, चार पहियों से चलता है। अगर कार भी है तो हम जल्दी नहीं पहुंचेंगे, अगर फ्लाइट में जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो शिवजी ने, शिवजी फ्लाइट, ब्रह्मा के पास जाकर फ्लाइट मांगी, हंस वाहन मांगे। उस हंस वाहन पर शिवजी बैठे, नंदी को अपने जगह पार किए और हंस पर बैठकर यहाँ पे आए इस नैमिषारण्य में और कथा श्रवण कर रहे हैं नैमिषारण्य में। बड़े मग्न होकर शिवजी उस कथा का, मतलब गौर लीला का स्मरण करने लगते हैं, श्रवण और स्मरण करने लगते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर लीला है यहाँ पे। शिवजी यहाँ पे गौर भागवत कथा सुनने के लिए हंस वाहन पर आए थे, इसका दर्शन हम कर सकते हैं। यस, यहाँ पे कहा गया है, सप्तऋषि मंडपे हरि ननर्थ नैमिषे तीर्थे स अवधूत स पार्षद। अवधूत मतलब अवधूत कौन है? शिवजी अवधूत है, शिवजी अवधूत है। तो वो अवधूत भी वहां पे उस नैमिषारण्य में सप्त ऋषियों के साथ कथा सुनने के लिए वहां पे आए थे। तो एक सुंदर कुटिया है वहां पे, और शिवजी का दर्शन हम हंस वाहन पे बैठे हुए दर्शन कर सकते हैं। हंस वाहन है वहां पे और उसके ऊपर लिंग है, शिवजी बैठे हुए है, इसका दर्शन हम कर सकते हैं। और कई कई दर्शन है यहाँ पे। यहाँ पे कहा गया है नैमिषारण्य में गोमती का दर्शन, गोमती नदी का दर्शन कर सकते हैं, पुष्कर नदी का दर्शन, पुष्कर का दर्शन कर सकते हैं, पंचवेणी का दर्शन कर सकते हैं, हंस वाहन मंदिर भी है वहां पे। इस तरह से कई सुंदर दर्शन, सारे कई धाम जो है वहां एकत्रित आए हुए हैं नवद्वीप में, या नवद्वीप से अन्य स्थलियों पर गए जब जब लीलाओं की आवश्यकता थी वहां वहां गए, यहां से गए, ऐसा वर्णन है। सो इट इज इन अ कंडेंस्ड फॉर्म, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। तो बहुत सुंदर है मध्य द्वीप। तो सप्त ऋषियों का ये जो है ये हमें स्मरण करना चाहिए। भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो सही युग में सही धर्म का पालन
होना चाहिए, ओके, ज्यादा महत्व उसे देना चाहिए। तो कलयुग में संकीर्तन है, एकत्रित मिलकर जप करना, एकत्रित मिलकर भगवान के गुणगान गाना, इसी से भगवत प्रेम प्राप्त होता है और गौरांग महाप्रभु मतलब संतुष्ट हो जाते हैं और कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। सो डोंट फॉरगेट दैट। अगर हम उस युग में उस धर्म का पालन नहीं करेंगे या सत्य धर्म का पालन जैसे कहा गया नहीं करेंगे तो फॉरगेट कृष्ण प्रेम, भूल जाइए कि कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।